नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा YouTube का चैनल है टेक YouTube। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि व्हाट्सएप के ऐसे एक फीचर दो चार हैं जो मैं बताऊँगा, शायद आपने यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे और हो सकता है देखे भी होंगे। फिलहाल अगर जिन्होंने देखे हैं तो उस वीडियो को ना देखें, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा नए करने की कोशिश की गई है, और आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ये फीचर जो हैं ये निकॉन P1000 के हैं, और वीडियो की क्वालिटी और वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, लगा तो भी नहीं लगा तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेंगे और सीधे चलते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि यूट्यूब पे आपने देखे भी हों ना भी देखे हों। चलिए दोस्तों, मैं आपके व्हाट्सएप को कुछ फ़ीचर बताता हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इनके फ़ीचर्स पता हों, और जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ ये वीडियो को देखें, और जिनको पता है वो देखना चाहते हैं देखें, नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए, सबसे पहले फीचर की मैं अगर बात करूं, तो जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर इस मैसेज को मैं सेंड कर रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक नहीं है, टिप्स कह लीजिए इसको। तो मैं इस वीडियो को सेंड करता हूं, मुझे कई लोग को सेंड करना है, ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिमिटेशन आ गई, यू कैन ओनली शेयर विद अप टू 5 चैट्स, यानी कि सिर्फ 5 लोग को आप इस मैसेज को भेज सकते हैं। और मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमको कई लोग को भेजना है, 5 से ज़्यादा, 10, 20, 50, 100 लोग को भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे एक बार में, बहुत ही सिंपल सा है। 3 डॉट आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको नज़र आएगा ऊपर से दूसरा नंबर न्यू ब्रॉडकास्ट, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद न्यू ब्रॉडकास्ट को जिस चीज को आपको मैसेज भेजना है उन सभी लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार में 256 एंट्री हो सकती है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। न्यू ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, और न्यू ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद इसको डन कर लीजिए। जैसा कि देखिए, मैंने 15 लोगों को बना लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार है कि आप इससे एक साथ कई लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले के भी एक मेरे ब्रॉडकास्ट बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट बना होगा, उसका लोगो का आइकन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, आप इस ब्रॉडकास्ट को खोलिए, यहाँ से कुछ भी मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए, तो ये सारे मैसेज एक साथ सभी में चले जाएंगे। तो उसे आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा फीचर। चलिए, अब दूसरे फीचर की अगर बात करें, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने 3 मैसेज को टैग किया है, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा हो ये टैग, इसका क्या फ़ायदा है, जैसे कि अगर हम जिससे चैट ज़्यादा करते हैं, रेगुलर करते हैं, और कभी कभी उनको उसको ढूंढना पड़ता है और ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टैगिंग फीचर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस पर किसी भी मैसेज, किसी को भी टैग करना हो तो उस पर क्लिक करेंगे उसको हम, ठीक है। क्लिक करते यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा, अभी फिलहाल मैंने टैग किया, इसको अनटैग कर देता हूँ, तो ये पिन हो जाएगा। इसका मतलब कि आप पहला अगर व्हाट्सअप कहीं भी खोलेंगे, जब भी खोलेंगे, तो सबसे पहले ये जो जिसको आपने पिन किया है, ठीक है, टैग किया या पिन किया है, ये चैट हमेशा ऊपर रहेगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये एक फीचर है। और भी अगर फीचर की बात करें तो बहुत से, चलिए, तो एक फीचर, ये कई फीचर हैं। चलिए, और दूसरे फीचर की अगर बात करूं मैं, जनरली हम लोग व्हाट्सएप चलाते चलाते, सॉरी बहुत शोर है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड का कलर जो है ये रेड है। तो व्हाट्सएप वॉलपेपर को कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर चैट में जाएंगे। चैट में जाने के बाद अगर आपको यहाँ दिख रहा हो ये वॉलपेपर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे ये परमिशन मांगेगा कि वॉलपेपर को आप व्हाट्सएप की गैलरी से लेना चाहते हैं,
और या फिर अपने मोबाइल गैलरी से, जहाँ भी अगर आपको पसंद आए जो भी वॉलपेपर, और डिफ़ॉल्ट रहना चाहता है डिफ़ॉल्ट, व्हाट्सएप लाइब्रेरी में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, प्ले स्टोर में व्हाट्सएप गैलरी में जाएंगे जब, तो प्ले स्टोर से ये व्हाट्सएप इंस्टॉल कर देगा, व्हाट्सएप वॉलपेपर, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और ये ज़्यादा नहीं, 4.97 MB का, लगभग 5 MB का ऐप है, बहुत ही छोटा सा, ये तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ वॉलपेपर्स हैं जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो हमने वॉलपेपर इसको इंस्टॉल कर लिया, व्हाट्सएप गैलरी वॉलपेपर, इसको हम खोलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप हर जिससे भी चैट करते हैं अलग अलग तरह के वॉलपेपर यहाँ इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक ये फीचर हो गया व्हाट्सएप की बात, वॉलपेपर चेंज करने का। एक और मज़ेदार फीचर की बात अगर करूँ तो, हालांकि हो सकता है आपने बहुत से वीडियोस के देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चलिए इसको देख लीजिएगा, आप सीख भी जाएंगे। अक्सर हम जब किसी को व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, मैसेज अगर हम उनको सेट करते हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि हमने आपने मैसेज सेंड किया और उसने कहा कि यार मैसेज तो हमको मिला ही नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस ब्लू लाइन को, ठीक है, इस पर डबल टिक है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये देखिए इस डबल टिक का क्या मतलब है। अक्सर आपने मैसेज में देखा होगा ये डबल टिक, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने इस मैसेज को उस बंदे को भेजा है, ठीक है, इस मैसेज पे लगातार कंटिन्यूस क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख रहे होंगे एक आई बटन, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो, इस पर क्लिक करेंगे, और उस बंदे ने आपके मैसेज को पढ़ा या नहीं पढ़ा, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है, अगर ये ब्लू टिक हो जाता है तो इसका मतलब उसने पढ़ लिया, और यहाँ लिखता है डिलीवर्ड, तो ये मैसेज उसके पास चला गया बट उसने पढ़ा नहीं है। ये फीचर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मज़ेदार है। तो होप यू गाइज कि आपको ये वीडियोस पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए TECHYOUTUBE, ये आप लेटर पूरा एक साथ में टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद यहाँ इसको सर्च पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसा कि देख रहे हैं, सर्च पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पे ये मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, इस पर ढेर सारे वीडियोस अपलोड हैं, और ये देखिए प्रेजेंट में मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए। तो जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने यहाँ बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को ये पुश कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।